स्टूडेंट्स आई होप यूल विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ सब्जेक्ट साइंस आई विल टीच यू क्लास सेवन यूनिट नंबर वन टूडे डिस्कस अबाउट दिस ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम प्रजेंटिड बाई आमना महमूद इन प्रीवियस लेक्चर वील डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन प्रोसेस ऑफ डायजेशन क्या था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में डाइजेशन में होता क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन होती है वो किस तरह होती है और उनमें क्या क्या जो है वो प्रोसेसेस होते हैं ठीक है फर्स्ट हमने जो है वो फूड जो है वो लिया अपने माउथ में ठीक है अब माउथ में जो स्लेवरी ग्लैंड थे उन्होंने स्लाइवा को प्रोड्यूस किया वो स्लाइवा जो है वो फूड के साथ मिक्स हुआ पहले जो है वो टीथ ने टीथ से ग्राइंडिंग ग्राइंडिंग हुई फूड की फूड ग्राइंड हुआ ठीक है इनटू स्मॉल पीसेस छोटे छोटे पीसेस में जब फूड ग्राइंड हो गई जब फूड ग्राइंड हो गई और स्लाइवा के साथ मिक्स हो गई तो वो सॉफ्ट और मॉइस्ट हो गई ठीक है अब वो जो है वो एसोफेगस के थ्रू जो है वो जाएगी ठीक है स्टमक में एसोफेगस को हम गुलट भी और एसोफेगस दोनों एक ही नाम है बच्चों तो हम इसको एक ही कर, जो है वो पढ़ सकते हैं गुलट और एसोफेगस के थ्रू जो है वो फूड स्टमिक में जाएगी जब फूड स्टमिक में चली गई तो वहाँ पर गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ जिसने जो है वो फूड की डाइजेशन की ठीक है प्रोटीन में ठीक है और जो है वो फैट्स को मतलब डाइजेस्ट किया अब यहाँ पर जो है गैस्ट्रिक जूस ये काम करा है गेस्ट्रिक जूस में स्मॉल अमाउंट में एसिड की भी क्वांटिटी होती है एसिड जो है वो किल करता है जो फूड में हमारे पा हमारे फूड में जो जम्स होते हैं ना उसको किल करता है जब ये डाइजेशन हो गई ठीक है अब जो है वो फूड जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जाती है तो वहाँ पर थ्री प्रोसेस होते हैं ठीक है तीन लीवर पेंक्रियाज और जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल वॉल्स ठीक है अब वहाँ पर एक जो है वो लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है बाइल सॉल्ट जो के वहाँ पर इस फूड में जो फ़ैट होता है ना उसको डाइजेस्ट कर लेता है ठीक है जब उसको डाइजेस्ट करता है बाल जो है वो उस फूड को क्या करता है डाइजेस्ट करता है ठीक है तब उसकी जो है वो फिर आगे प्रोटीन की और फैट्स की फाइनल डाइजेशन होती है अच्छा बच्चों हम लोग अभी ये पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट अब लीवर है लीवर और इलियम ठीक है इलियम लीवर एंड इलियम इलियम जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन बाइल फ्रॉम द लीवर ब्रेक्स अप ऑयल ड्रॉपलेट टू मेक दैम इजियर टू डायजेस्ट बाइल का फंक्शन क्या है कि लीवर से प्रोड्यूस होता है और ये जो है वो ऑयल ड्रॉपलेट यानी फैट को डाइजेस्ट करता है लीवर जो है वो बाइल का फंक्शन मेन फंक्शन ही जो है वो डाइजेशन ऑफ द फैट है ठीक है देन डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड्स ब्लड थ्रो द वॉल्स ऑफ द एलियम वॉल्स ऑफ द इलियम विच इज़ लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का लॉन्गेस्ट जो है वो पार्ट है यहाँ पर फिर नेक्स्ट वो कहते हैं कि विलाई विलाई क्या होता है इलियम के पास ना है इसमें मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कार्ड विलाई विलाई होते हैं इलियम के पास ठीक है और इट इज़ अबाउट वन मिलीमीटर लॉन्ग एंड डाइजेस्ट द फूड इट हैज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपरिज विच एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड कैरी इन टू लीवर अच्छा एलियम क्या है ईलियम जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम कहते हैं विलाई विलाई वन मिलीमीटर लॉन्ग mm है और ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसके पास जो है वो नेटवर्क होता है कैपरीज का जो अब्जॉर्ब अब करता है डायजेस्ट करता है फूड को और इसको फिर लीवर तक लेके जाता है ठीक है विलाई किस में जो कहाँ पर होते हैं स्मॉल इंटस्टाइन में ठीक है स्मॉल इंटस्टाइन यानी स्मॉल इंटस्टाइन में जो एलियम है वहाँ पर ठीक है नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन हमने पढ़ा था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास ये हुआ कि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आई अब जो है प्रोटीन की कार्बो फैट्स uh, की फाइनल डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है लीवर पेंक्रियाज और जो स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स होती हैं ना वो यहाँ पर तीनों ये तीनों जो है वो काम यहाँ पर काम करते हैं ठीक है यहाँ पर डाइजेशन करते हैं अब लीवर क्या करता है प्रोड्यूस करता है एक बॉ बा, बॉयल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं और वो फैट को जो है वो डाइजेस्ट करता है पेंक्रियाज और जो है वो इंटेस्टाइनल वॉल्स वो भी जूसेस प्रोड्यूस करते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं ठीक है ठीके? फिर फूड आती है लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है फूड इज़ पास फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू तो लार्ज इंटेस्टाइन इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द दे डाइजेस्टिव सिस्टम ये डाइजेस्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट है और इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग ये जो है वो 1.5 मीटर लॉन्ग है ये शॉर्ट है बट थिकर देन स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़रा थिक होता है शॉर्ट होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से थिक होता है फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आ गई है? अब लार्ज इंटेस्टाइन में ठीक है नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन और रेक्टम टू पार्ट हैं लार्ज इंटेस्टाइन के ठीक है फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया अब लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या करना है एब्जॉर्ब करना है एक्स्ट्रा वाटर को फ्राम द अनडाइजेस्टेड फूड बच्चों जो फाइनल डाइजेशन हो गई थी ना वो हो गई थी स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो अनडाइजेस्टिड फूड रह गई अब डाइजेशन नहीं हुई मतलब फूड को जो डाइजेशन होनी थी जो प्रोसेस डाइजेशन का होना था वो कंप्लीट वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन तक हो गया है अब क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आएगी अब जो अनडाइजेस्टिड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगी लार्ज इंटेस्टाइन का ये फंक्शन है कि ये जो अनडाइजेस्टिड फूड में एक्स्ट्रा वाटर होता है ना उसको क्या कर लेता है एब्जॉर्ब कर लेता है जब उसको एब्जॉर्ब कर लेता है क्यों एब्जॉर्ब करते हैं जब आप बड़ी क्लासेज में जाएंगे ना तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि अब बॉडी को रिक्वायर है वो वाटर ठीक है बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा उस वाटर को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड ठीक है बाय लार्ज इंटेस्टाइन मतलब लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा एक्स्ट्रा वाटर को फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड देन अब जो फूड में से हम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है उसको अनडाइजेस्टेड फूड में से एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को तो एक सॉलिड सा मटीरियल बन जाएगा जिसको हम कहते हैं फीसिस ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये देखें अभी मैं दोबारा बताती हूँ आपको फंक्शन ऑफ रैक्टम एंड एनस अब फीसिस जो है वो फीसिस की फॉर्म में आ गया अब रैक्टम जो है वो स्टोर करता है उस फीसिस को ये जो है वो रेक्टम और एनस ठीक है रैक्टम जो है वो पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ठीक है रेक्टम स्टोर इन द फीसिस इन द बॉडी बॉडी में जो है वो फीसिस को स्टोर करता है रेक्टम ठीक है और जो फीसिस जो है वो रिमूव रहते हैं फ्रॉम द बॉडी थ्रो एनस एन एस जो है लास्ट पार्ट है ठीक है जहाँ से जो है फीसिस जो कि सॉलिड जो है मटीरियल है वो बॉडी से रिमूव हो जाता है ठीक है थ्रो एन एस ठीक है यहाँ पर दोबारा मैं आती हूँ ये देखें बच्चों एक दफ़ा दोबारा रिपीट करती हूँ फूडली माउथ में गया माउथ में जो है वो फाइनल माउथ में जो है वो स्लाइव ग्लैंड ने स्लाइवर प्रोड्यूस किया और टीथ ने फूड को ग्राइंड किया इंटू स्मॉल पीसेज अब वो जो है वो स्मॉल और स्लाइवर आपस में मिक्स होते हैं और फूड जो है वो जो है मॉइस्ट हो जाती है फिर फूड इस एजोफेगे से यानी इस ट्यूब में से गुजरी इस ट्यूब में से गुजर कर इस स्टमिक में आई स्टमिक में जो है वो डाइजेस्टिव जूस यानी कि गैस्ट्रिक जूस था उसने जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट किया फूड में से ठीक है अब जो है वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में चलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन में जब गई तो वहाँ पर पंक्रियाज लीवर और जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल्स थी वहाँ पर जो है वो फाइनल डाइजेशन हुई प्रोटीनस की ठीक है फैट्स वगैरह की सारी फाइनल डाइजेशन हो गई अब जो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होगी गई कहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो कहाँ रह गया लार्ज इंटेस्टाइन में वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ लार्ज इंटेस्टाइन उन्होंने कहा है, है तो शॉर्ट लेकिन थिक होती है दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन अब जो अनडाइजेस्टिड फूड था वो कहाँ पर आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में जब लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो रैक्ट uh, जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने इसमें से एक्स्ट्रा वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जब एक्स्ट्रा वाटर को लार्ज इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब कर लिया फ्राम द फूड तो रैक्टम में वो सॉलिड पार्टिकल्स और सॉलिड मटीरियल्स जो है वो स्टोर हो गए अब वो सॉलिड मटेरियल जो है वो थ्रो एन एस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं आई होप बच्चों आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा ये स्टेप वाइज आप याद करेंगे ना तो आपको इजीली जो है वो समझ आ जाएगा ठीक है ना कि फूड पहले माउथ में फिर एसोफेगस से स्टमिक में फिर स्टमिक से स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में फिर लार्ज इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन से रेक्टम में और फिर लास्ट पे एनस मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी समझ आया होगा स्टेप वाइज आप इसको इस डायग्राम को देखते जाएँ और करते जाएँ इजीली ईज़िली आपको जो है वो समझ आ जाएगा ठीक है ओके okay, अल्लाह हाफिज़